Cola. Welcome back. Thanks a lot for staying with us. The Enforcement Directorate has now filed a charge sheet against 10 accused, including Satendra Jain, his wife Poonam Jain, Vaibhav Jain, Ankush Jain, some others, and 4 companies as well. We're also now understanding that the charge sheet filed before the special CBI judge, the court has posted the matter for cognizance and further proceedings on the 29th of July. My colleague Shankar Anand is getting us all these details. So, Shankar, ye bataiye, charge sheet kis kis ke against hai? Aur kya koi update aaya hai Satendra Jain ki legal team ki taraf se? देखिए, इस मामले में जिस तरह से राउजवनी कोर्ट में चार्जशीट दायर किया गया और चार्जशीट दायर करने के बाद आज ही इस मामले पे कॉग्निजेंस की बात आ रही थी. ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा था कि आज ही इस मामले पर संज्ञान कोर्ट के द्वारा लिया जा सकता है, लेकिन इस मामले में अब 29 जुलाई का वक्त मुकर्रर किया गया है. और अगर ईडी के चार्जशीट की अगर बात करें तो इसमें सत्येंद्र जैन को सबसे पहला आरोपी बनाया गया है. सत्येंद्र जैन के साथ साथ पूनम जैन, जो उनकी पत्नी है, उनको आरोपी बनाया गया है. अंकुश जैन, वैभव जैन, सुनील कुमार जैन जो अंकुश जैन के पिता हैं, उनको भी आरोपी के तौर पर बनाया गया है. अजीत प्रसाद जैन जो वैभव के पिता हैं, इनको भी आरोपी बनाया गया है. इसके साथ ही 4 जो कंपनी है उसका नाम भी मैं बताना चाहूंगा. अकिंचन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ ही प्रयास इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायन प्राइवेट लिमिटेड, जे आइडियल स्टेट. तो ये जो 4 कंपनियां हैं, इन 4 कंपनियों में किस तरह से कई अन्य आरोपियों को डायरेक्टर बनाया जाता था. तो इस मामले में जो सत्येंद्र जैन की जो भूमिका है वो इन्वेस्टिगेट ईडी के द्वारा किया गया और उसी मामले को ध्यान बनाते हुए इस आज चार्जशीट फाइल किया गया है. हालांकि अभी तक इस मामले में ईडी के द्वारा ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मामले में जब कई और भी तफ्तीश का जो दायरा है वो आगे बढ़ता जा रहा है और इस मामले में जल्द ही कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है. निश्चित तौर पे जिस तरह से आज चार्जशीट दायर हुआ है, 29 जुलाई को जब इस मामले पर कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा तो उसके बाद कई और भी जानकारियां कोर्ट के माध्यम से बाहर आ सकती हैं. शंकर आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद. लेट्स ऑल्सो नाउ